बलौदाबाजार जिले के घटना एवं घटना के उपरांत प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा अपेक्षा अनुरूप निर्णय न लेकर निरीह एवं आमजन मानस को लगातार परेशान किए जाने को लेकर एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ की लचर कानून व्यवस्था के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कोरबा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन सुभाष चौक निहारिका के समीप किया गया। कटघोरा पूर्व विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने कहा कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है, प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गई है। भाजपा सरकार के राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। नागरिक और समाज का हौसला बनाए रखना और कोई घटना उससे पहले सख्ती से कार्रवाई करने सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन भाजपा सरकार अभी पैमानों और बिंदु में असफल हुई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहर सपना चौहान ने उद्बोधन में कहा कि बलौदाबाजार की घटना इस सरकार की नाकामी का नतीजा है। छत्तीसगढ़ में जब भी पुलिस के द्वारा आम जनता, किसानों एवं आदिवासियों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया या गोलीकांड किया गया, तब तब भाजपा की सरकार रही है। भाजपा हमेशा आम जनता दमन करती रही है। कोरबा से अशोक कुमार श्रीवास की रिपोर्ट। आप पूरे देश में विदित है, बलौदा बाजार की घटना जो 10 जून को बहुत ही ज्यादा आहत कर देने वाला है। बलौदा बाजार की छत्तीसगढ़ प्रदेश उसके की सरकार पूरी तरह फेल है। जो प्रदेश की तरह घटना घटी, जो प्रदेश शांति का टापू कहलाती है, और हमेशा जो छत्तीसगढ़ वासी है, जो समाज जो शासन में बैठे हैं, समाज के वासी है, क्योंकि उन लोग हमेशा शांति रहना, शांत रहना और शांति से जीना और उसके संबंध में और प्रदेश प्रशासन और अवगत कराएगा और समाज की उन्नति प्रगति पर। प्रशासन ने परंतु ये सरकार गरीब तरह से स्थिति बनी है, लगातार 4 महीना या 5 महीना ही हुआ है और आप लोग देख रहे हैं। और ये नहीं भाइयों, महंगाई, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये तो सहज का हो गया है। तो मैं बताना चाहूंगी, आज अगर ऐसी स्थिति बनी है तो आने वाले समय की बेहद ही चिंतनीय है और बेहद ही रौदा बाजार के समीप गांधी समाज के प्रति जैत कम को ज्ञात तत्वों के द्वारा जो नुकसान पहुंचाया गया, वो तोड़फोड़ की गई और उसके परिप्रेक्ष्य में जब यह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को वहाँ के शासन और प्रशासन के समक्ष रखें। और देखिए, सबसे आश्चर्य की बात यह है, क्या सरकार इस तरीके की घटना का इंतजार कर रही थी कि कलेक्टर और एसपी ऑफिस जले? क्या सरकार मई की घटना को इतना निगरान किया, इसी तरीके के उसने कार्रवाई करने के निर्देश दिए? शासन प्रशासन मूक दर्शक बनी बैठे और सतनामी समाज की भावना, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा? क्या है, देश में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकारें आती हैं, वो कभी हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, सिख को जो है पारसी से, पारसी को ईसाई से, हिंदू को हिंदू से अपना लड़ना प्रारंभ करती है। आप देखिए, मणिपुर लंबे समय से चल रहा है, ना तो आज भारत सरकार का गृह मंत्री गया और वहाँ पे ना ही जो है प्रधानमंत्री ने आज तक इस बात को संज्ञान में लिया कि आखिर मणिपुर में निर्वस्त्र महिला को घुमाई जा रहा है, वहाँ असंतोष का वातावरण है, उसको ये उग्रवाद बोलते हैं। देश में वहाँ भी 2 समुदायों के बीच लड़ाई हो रहा है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, मैं बलौदा बाजार स्वयं गया था, बलौदा बाजार के लोगों से मिला तो उन लोगों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने तो बहुत कुछ कम किया है, वहाँ शासन प्रशासन के लोगों ने बहुत ऐसा घिनौना काम किया है जिसको हम मुंह से बोल नहीं सकते। वहाँ पे जहाँ प्रदर्शनकारियों के साथ जो है जो भी हुआ, उसके फुटेज जो है पूरे देश के लोग देख रहे हैं। एक उदाहरण आप देखिएगा, ये सरकार कैसी है। एक तरफ आबकारी विभाग को जो है बोला कि जगह जगह जो है तुम जो ठेके दो,